तो वाई और एक्स के मान हमारे पास आ गए, ये मैंने विलोपन विधि द्वारा ज्ञात किए हैं। इस प्रश्न में प्रतिस्थापन विधि भी हल करना है, तो ये आप करिएगा। हम प्रतिस्थापन विधि पहले ही पढ़ चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न समीकरण के युग्मों को विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि उपयुक्त है? तो ये अपने ऊपर है, आप कौन सी विधि लगाएं, दोनों ही लगा के देखनी है, ठीक है? तो विलोपन विधि वापस एक बार बता देता हूँ। एक्स के गुणांक और वाई के गुणांक समान बना के एक एक चर को विलुप्त करना होता है। जैसे समीकरण लिख दी मैंने 3x + 4y = 10, और दूसरी समीकरण है 2x - 2y = 2। तो इस समीकरण को एक ले लिया और इसको दो ले लिया। अब वाई का गुणांक पहली वाली समीकरण में 4 है, दूसरी वाली में -2 है। तो मैं अगर समीकरण 2 को 2 से गुणा कर दूं, समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, तो ये समीकरण बन जाएगी 4x - 4y = 4। फिर ये समीकरण 1 को इसके नीचे लिख दिया 3x + 4y = 10। माइनस का 4y प्लस, दोनों समीकरण को जोड़ दिया जाए तो ये कट जाएंगे। जोड़ने पर 4 और 3 7x हो जाएगा, 4 और 10 14 हो जाएगा, तो x का मान यहाँ से 2 आ जाएगा। ये अभी हमने किसको विलुप्त किया है? y को विलुप्त किया है, ठीक है? तो x या y को जिसको विलुप्त करना है उसके गुणांक समान होने चाहिए। अब हम x को विलुप्त करते हैं, तो x को विलुप्त करने के लिए यहाँ पे 3 है या 2 है, तो हमें दोनों के लसप सोचने पड़ेंगे। तो 3 और 2 का लसप क्या आएगा? 6 आएगा। तो 6 बनाना है यहाँ पे भी 6। तो 6 बनाने के लिए समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 को 3 से गुणा करेंगे। तो 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 बन जाएगी 6x + 8y = 20। 3 से गुणा हो रही है समीकरण 2, तो 6x - 6y = 6। अब क्योंकि 6x समान चिन्ह के हैं तो माइनस करना पड़ेगा, घटाने पर दोनों समीकरण को घटाना पड़ेगा। तो प्लस का और ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, ये कट गए। प्लस का 8y, प्लस का 6y, 14y, 20 में से 14 गए, 6 गए 14, तो y का मान आ गया 1, ठीक है? इसी प्रकार करना है। ये विलोपन विधि, इसमें हमने किसको विलुप्त किया है? x को विलुप्त किया है। अगला प्रश्न, ये भी स्वयं करें, ये भी स्वयं करें। इन समीकरणों के मैं इन समस्याओं की समीकरण मैं बना दूंगा, आप विलोपन विधि से समीकरण को हल कर दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है 3.4। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो ये पहला प्रश्न है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 हटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, तो फिर भिन्न की बात हो रही है। तो भिन्न कैसी होती है? माना भिन्न, भिन्न होती है बट्टे के रूप में, तो x बट्टा वाई है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। तो पहली शर्त के अनुसार अंश में 1 जोड़ना है, हर में से 1 हटाना है। तो अंश है x, उसमें 1 जोड़ा और हर है y, y में से 1 हटाया, तो भिन्न बन गई 1। इसको वज्र गुणा के द्वारा हल करेंगे, तो x + 1 - 1 y - 1 - 1, तो हो जाएगा x + 1 = y - 1। इसको यहाँ ले आएंगे तो x - y - +, और ये बन जाएगा +2। ये समीकरण 1 हो गई। इसी प्रकार दूसरी शर्त क्या है? यदि हर में 1 जोड़ दें तो अंश में कोई फर्क नहीं आएगा, हर में ही बदलाव किया अंश, ऐसा कैसा? हर में 1 जोड़ दिया तो भिन्न हो गई 1/2। वज्र गुणा होगा 2 × x, 2x, 1 × y + 1, y + 1।
इसको यहाँ ले लिया 2x माइनस वाई माइनस एक बराबर जीरो, ये समीकरण दो। अब इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि द्वारा हल करना है, ठीक है। दूसरे का दूसरा प्रश्न, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो नूरी की आयु मान लो x, सोनू की वाई मान लो, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो नूरी को हमने ले लिया मान लो n, तो वो कितनी हो गई? 5 वर्ष पूर्व जा रहे हैं तो माइनस करना पड़ेगा x, अभी वर्तमान आयु नूरी की x है, तो हो जाएगी x माइनस 5 वर्ष, और सोनू की आयु s ले लेते हैं, s सोनू, s मतलब सोनू, सोनू की आयु हो जाएगी y माइनस 5 वर्ष। तो ये कह रहा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो ये समीकरण बन गई x माइनस 5 3y माइनस 15। इसको यहाँ सारे के सारे पद यहाँ ले आते हैं, x माइनस 5 प्लस प्लस 3y नहीं होगा, माइनस 3y होगा, तो माइनस का 3y प्लस 15 बराबर जीरो, तो ये बन गई x माइनस 3y प्लस 10 बराबर जीरो। दूसरी शर्त है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, 10 वर्ष पश्चात, तो नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 10, और सोनू की मान लो y प्लस 10, तो नूरी की उम्र हो गई x प्लस 10 और सोनू की y प्लस 10। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी की आयु है x प्लस 10, ये 2 गुनी हो जाएगी सोनू की आयु की, तो 2 गुनी कर दी। इस समीकरण को हल कर देंगे, सरलीकरण करेंगे, 2y प्लस 2 इंटू 10 20, सारे पदों को बाएं पक्ष में ले लेंगे, x प्लस 10 माइनस 2y माइनस 20 बराबर जीरो, ये बन जाएगी x माइनस 2y माइनस 10 बराबर जीरो। इन दोनों समीकरण को हल कर देंगे, एक है ये और ये दो है, ठीक है। अगला प्रश्न,